सो गाइस आज के वीडियो में गाइस यार हम लोग बात करेंगे फ्री फायर मैक्स के डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। यहाँ पे गाइस देखो डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी सारे सेटिंग दिखने को मिलता है और गाइस इसमें से एक दो सेटिंग ऐसा है जिसको अगर आप लोग अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका गेम प्ले पहले से काफ़ी ज़्यादा ओपी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, थोड़ा सा हम लोग उल्टा चलेंगे बोले तो नीचे से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके मैं आपको सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किसको ऑन करने से क्या होगा, ऑफ करने से क्या होगा, सभी के बारे में बताऊंगा। जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है गन शॉट्स अलर्ट। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, इसके बाद जब आप लोग गेम खेलोगे और आपके आसपास कोई एनिमी फायरिंग करेगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का एक आइकन बनेगा बोले तो गोली वाला आइकन, जिसको हम लोग बोलेंगे गन शॉट्स अलर्ट। अब देखो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एनिमी आपके राइट साइड से फायरिंग कर रहा तो ये जो आइकन है गन शॉट्स वाला वो आपके राइट साइड के ऊपर बनेगा और अगर लेफ्ट साइड से कर रहा है तो लेफ्ट साइड की ओर बनेगा, जिससे कैस क्या हुआ कि आपको ये जानने में काफ़ी इजी होगा कि जो एनिमी है वो आपके कौन से साइड पे है। जिसको आप लोग ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। इसके बाद किस यहाँ पे आता है नॉच स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे इसका क्या है कि अगर आप लोग अभी देखो ये जो सेटिंग है मेरा ऑफ है तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो गेम है वो मेरे स्क्रीन के मतलब कि जो मेरा फ़ोन का डिस्प्ले है उससे बिल्कुल चिपका हुआ, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग इसको कर देते हैं ऑन तो एक बार जब आप लोग गेम को रीस्टार्ट करोगे तो उसके बाद भी गाइस यहाँ पे देखोगे कि क्या होगा कि जो आपका गेम होगा वो थोड़ा सा आपके डिस्प्ले से थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है, मतलब कि बीच में कोई थोड़ा सा स्पेस होगा। देख सकते हो यहाँ पे जो इवेंट वाला आइकन है इसके इधर भी थोड़ा सा स्पेस है। तो ये आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप लोग कर सकते हो। ओके ओके। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है मिनी मैप। अब देखो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्थ अप का, दूसरा है रोटेटिंग का। पहला गेस नॉर्थ अप, अगर आप लोग यहाँ पे रख के खेलोगे तो देखो जो आपके गेम के ऊपर यहाँ पे होता है कॉर्नर पे मिनी मैप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग मतलब कि गेम के अंदर दौड़ोगे इधर से उधर मूव करोगे तो आपका जो करेक्टर वाला सिंबल है सिर्फ वही इधर से उधर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप लोग रखोगे रोटेटिंग पे, इसके बाद अगर आप लोग इधर से उधर मूव करोगे तो मिनी मैप में जो पूरा का पूरा मैप आपको रोटेट करते हुए मतलब कि घूमते हुए दिखाएगा। तो ये भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो जिस पे आपको अच्छा लग रहा। वैसे सब लोग गाइस यहाँ पे रखते हैं रोटेटिंग पे, मैं भी इस पे खेलता हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा सा ईजी होता है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है ऑटो स्केल। वैसे तो गाइस इस सेटिंग का कोई खास यूज़ तो नहीं है, बट देखो जब आप लोग इसको ऑन कर दोगे इसके बाद जब आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे तो जो अपना मिनी मैप है वहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा, मतलब कि एक न्यू टाइप का एनिमेशन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप लोग जीपलाइन यूज़ करोगे तो उस टाइम पर भी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा मिनी मैप पर। तो आप लोग इसको ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब गाइस यहाँ पे देखो है अपना हाई FPS। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल का, हाई का। यहाँ पे गाइस मैं आपको बोलूँगा कि आपको हाई कर लेना है। हाई करने से गाइस देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो गेम प्ले है वो बिल्कुल स्मूथ टाइप से चलेगा, आपका हेडशॉट वगैरह अच्छे से लगेगा। यहाँ पे जो आपका होता है फायर बटन उसको आप लोग अच्छे से ड्रैग कर पाओगे, ठीक है, अगर आप लोग हाई पे रख के खेलोगे तब। जितने भी गाइस बड़े बड़े प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, वो इस सेटिंग को यूज़ करते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल पे खेलते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जरूर से हाई कर लो, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे देखो आप लोग हाई तभी करना जब आपका एक गेमिंग फ़ोन हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इसको हाई पे रखोगे तो इसका एक खराबी है, वो ये है कि आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत जल्दी डाउन होगा, ठीक है। तो अगर आपका फ़ोन का बैटरी काफ़ी अच्छा चलता है तब आप लोग इसको हाई पे रख के खेलो, आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है फिल्टर। अब देखो इसके अंदर भी हम लोगों को चार ऑप्शन दिखने को मिलता है, तो गाइस यहाँ पे बताने से अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो लेफ्ट साइड पे जो आप लोग देख रहे हो वो क्लासिक का फिल्टर है और राइट साइड पे जो है वो ब्राइट का है, ठीक है। फिल्टर का गाइस बेसिकली मतलब हो गया गेम के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि घर हो गया, पेड़ हो गया, तो वो सब कौन से फिल्टर पर आपको मतलब कि पूरा क्लियर दिखने को मिल रहा, रियल टाइप का लग रहा, वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो वेबेड पे आपको कुछ इस टाइप का, ओशन पे आपको यहाँ पे राइट साइड
स्टेट पे देख सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लग रहा, जिस पे आपको लग रहा कि हाँ इस फिल्टर में मुझे पूरा क्लियर दिखने को लग रहा या फिर एकदम रियल टाइप का लग रहा, आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है ओसन, वो सबसे बेस्ट होता है और मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसी को सिलेक्ट कर लो। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे देखो आता है शैडो। अब देखो अगर आप लोग शैडो को ऑन कर दोगे तो कैसे यहाँ पे क्या हुआ कि गेम के अंदर जितने भी घर हो गया या फिर आपका कैरेक्टर हो गया उसका आपको परछाई बोले तो छाया आपको दिखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरा कैरेक्टर का नीचे के साइड पर ब्लैक ब्लैक परछाई भी बन रहा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा यूज़फुल होता है, अगर ऑन करोगे तो सही रहेगा, ऑफ कर दोगे तो उतना कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है हाई रेजुलेशन बोले तो हाई RES। अब इसके अंदर हम लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल का, हाई का। देखो यहाँ पे अगर आप लोग रखोगे नॉर्मल पे तो सिंपल सा नॉर्मल टाइप का रहेगा, लेकिन अगर आप लोग कर देते हो हाई तो इससे क्या होगा कि गेम का जो ग्राफिक है वो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का, रियल टाइप का लगेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप लोग जरूर से हाई पे रखना। यहाँ पे कैसे मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप लोग अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हो और उसको यूट्यूब पे या फिर रील्स बनाते हो तो भाई देखो यहाँ पे तीन चार सेटिंग है जिसको आपको जरूर से करना है। एक तो कैसे ये हाई RES वाले को हाई कर दो, शैडो को ऑन ऑफ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिल्टर को आपको सबसे लास्ट वाले पे ओसन पे रखना है। इसके अलावा कैसे यहाँ पे हाई FPS को आपको ज़रूर से हाई कर लेना है। ठीक है, ये दो तीन सेटिंग करके आप लोग अगर अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा कि आपका जो गेम प्ले है वो HD में रिकॉर्ड होगा, मतलब कि अच्छे से क्लियर दिखेगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका गेम प्ले तो काफ़ी OP होता है बट वो लोग भाई अपना जब वीडियो अपलोड करते हैं तो मतलब कि समझ में ही नहीं आता कि एनिमी का मुंडी कहाँ है और उसका पैर कहाँ है, जिसके वजह से उनके वीडियोस पे उतना खास से अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आते, जबकि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आना चाहिए, उनका गेम प्ले काफ़ी सही रहता है फिर भी। ठीक है, तो कैसे ये सेटिंग को आप लोग जोर से कर लेना। थैंक्स, लव यू। इसके बाद कैसे यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में आता है ग्राफिक्स। अब कैसे यहाँ पे हम लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिलता है और कैसे मैं बोल दूँ कि इन चारों के बीच में काफ़ी सारे अंतर है, बोले तो करीब 5-6 अंतर है। अगर आप लोग स्मूथ पे रखोगे तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गेम के अंदर आपको नहीं दिखने को मिलेगा, और अगर आप लोग रखते हो अल्ट्रा पे तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखने को मिलेगा, बोले तो फ़ायदा होगा। और कैसे अगर इन सब के बारे में अभी आपको बताऊंगा तो शायद से वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आपको ग्राफिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दूँ जहाँ पर मैं इन चारों के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोल देना और कैसे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को जरूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आई होप कि कैसे यहाँ पे आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सुहासिया मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।